आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। डीएनए फ्रेगमेंटेशन स्पर्म्स में क्या होता है और ये टेस्ट क्यों कराया जाता है? डीएनए फ्रेगमेंटेशन स्पर्म्स में एक ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल होता है स्पर्म्स के हेड में, उसमें ब्रेक्स या डिफेक्ट्स आते हैं और इसकी वजह से फर्टिलाइजेशन करने की क्षमता कम हो जाती है। जब वो अंडे में डाला जाता है या जाता है तो वो फर्टिलाइज नहीं कर पाता अंडे को और इसकी वजह से प्रेगनेंसी हासिल नहीं हो सकता। ये जो प्रॉब्लम है स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन, बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकता है, जिन्हें हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स कहते हैं, इन्फेक्शंस हो सकता है या जेनेटिक म्यूटेशंस हो सकते हैं। लेकिन आपका लाइफस्टाइल भी ये निर्धारित करता है कि डीएनए फ्रेगमेंटेशन का कारण लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी हैं क्या। क्या आप ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, एक्सेसिव अल्कोहल पीते हैं, आपका डाइट ठीक नहीं है, इन फैक्टर्स को भी ध्यान में रखते हुए ये देखना चाहिए कि डीएनए फ्रेगमेंटेशन को कैसे ठीक किया जा सकता है आपके स्पर्म सैंपल्स में। बहुत सारे तरीके हैं डीएनए फ्रेगमेंटेशन मालूम करने के। इन टेस्टों को SCSA स्पर्म क्रोमैटिन स्ट्रक्चर ऐसे कहा जाता है, या टनल टेस्ट कहा जाता है, या कॉमेट टेस्ट कहा जाता है। तो बहुत सारे तरीके हैं और ये अलग अलग तकनीक यूज़ करते हैं डीएनए ब्रेकेज स्पर्म्स के सेल्स में मालूम करने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होता है। इसके द्वारा ये पता लगाया जाता है कि हाई डीएनए फ्रेगमेंटेशन है या लो और कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन आपके लिए बेस्ट काम करेगा। हाई अगर होता है डीएनए फ्रेगमेंटेशन तो जैसे मैंने कहा फर्टिलिटी कम होता है, वही नहीं लोअर प्रेगनेंसी रेट्स होते हैं और ज़्यादा मिसकैरेजेस भी इन पुरुषों में देखा गया है। लेकिन जो डीएनए फ्रेगमेंटेशन और फर्टिलिटी का संबंध है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है और ऐसा नहीं है कि हाई डीएनए फ्रेगमेंटेशन लेवल्स होने के बावजूद आप पिता नहीं बन सकते। बहुत सारे केसेस में ये लेवल्स ज़्यादा होने पर भी फर्टिलिटी का प्रॉब्लम नहीं होता है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवश्य लाइफस्टाइल चेंजेस ला सकते हैं आप, जैसे कि स्मोकिंग कम करना या अल्कोहल कंजम्पशन कम करना, एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंटेशन लेना या ऐसे थेरेपीज लेना जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपके बॉडी में कम हो। अगर ये सब भी काम नहीं कर रहे हैं तो आप IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ICSI या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन करा जा सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो डीएनए फ्रेगमेंटेशन का प्रॉब्लम है उसे हम बाईपास कर सकते हैं और आपके चांस ऑफ सक्सेस प्रेगनेंसी में बढ़ सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए या आपको ये टेस्ट कराना है, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।